टाइगर के नाम से झारखंड की राजनीति में जाने जानने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सत्ता रास नहीं आई। जगन्नाथ महतो 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति के लिए झारखंडियों के दिलों में रहेंगे, तो वही स्थानीय नीति का आंदोलन भी उनकी मौत का एक कारण बना। पुष्पा स्टाइल तो अब फेमस हुआ है, अपने टाइगर तो पहले ही झारखंड में फेमस थे। कभी किसी से समझौता नहीं किया, ना उधो को लेना ना माधो को देना, काम वही करते थे जो सही होता था। तभी तो खाली गाल बजाने वालों के यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अपने टाइगर के यहाँ सुबह सुबह से ही जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए फरियादी आ जाते थे, ऑन स्पॉट कार्य करते थे और फैसला भी ऑन स्पॉट सुनाते थे। किसी ने जरा भी इधर उधर की तो अपने स्टाइल में ही सुना देते थे कि यहाँ यह सब नहीं चलता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में संघर्षों के लिए जाने जाने वाले जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा ही संघर्षों की रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड आंदोलन की उपज जगन्नाथ महतो ने कभी भी किसी से समझौता नहीं किया। अपने इलाके में वह लोगों को न्यायालय नहीं जाने की नसीहत देते थे, बल्कि उनकी पंचायत में ही उनके क्षेत्र के लोगों की फरियाद सुनी जाती थी और फैसला ऑन द स्पॉट हुआ करता था। अधिकारियों के बीच उनकी धमक ऐसी थी कि डुमरी की जनता उन्हें टाइगर के नाम से पुकारने लगी थी। जब किसी को उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो आधी रात को भी हाजिर हो जाते थे और उनकी फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो के बेहद करीबी थे जगन्नाथ महतो। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, 10 से 15 मामलों में उन्हें प्राथमिकी भी भुगतनी पड़ी। झारखंड आंदोलन के दौरान उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और लगभग 10 बार से अधिक उनको जेल भी जाना पड़ा। जगन्नाथ महतो ने झारखंड आंदोलन में मुखरता से हिस्सा लिया। राजनीति का ककहरा सीखने के बाद पहली बार जगन्नाथ महतो ने 2000 में समता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। चुनाव में हार मिलने के बाद जगन्नाथ महतो की नज़दीकी दिसोम गुरु शिबू सोरेन से हुई। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के कद्दावर नेता थे और उन दिनों आंदोलन कर रहे थे। शिबू सोरेन का साथ जगन्नाथ महतो ने अंतिम दम तक नहीं छोड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी वफादारी के किस्से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जगन्नाथ महतो ने 41,784 वोट प्राप्त कर RJD के प्रत्याशी लालचंद महतो को हराया था और पहली बार विधायक बने थे। वो 4 बार विधायक रहे, लेकिन लोकसभा में सांसद बनकर जाने की दिल्ली तमन्ना उनकी रह ही गई। हेमंत सरकार में शिक्षा मंत्री बने, लेकिन सत्ता उन्हें कभी रास नहीं आई। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही जगन्नाथ महतो को कोरोना काल का संक्रमण का शिकार होना पड़ा। कोरोना ने उनके पूरे परिवार को ही सताया। जगन्नाथ महतो अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। उनके भाई वासुदेव महतो की मौत कोरोना काल के दौरान ही हो गई। 2000 में कोरोना काल के दौरान ही जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए उन्हें चेन्नई ले जाया गया। नवंबर 2020 में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट कराया गया और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर 19 दिनों तक रखा गया। कोरोना काल के दौरान जगन्नाथ महतो की स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार चिंता करते रहे और उनकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि तमाम तरह से मदद करते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही यह श्रेय जाता है कि जगन्नाथ महतो 8 महीने के इलाज के बाद 14 जून 2021 को झारखंड स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन उनको बीच बीच में इलाज के लिए चेन्नई जाने को विवश होना पड़ा। इसी वर्ष 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। आज यह दुखद खबर झारखंड की जनता के बीच आ गई कि अब टाइगर हमारे बीच नहीं रहे। जीवन के अंतिम दिनों में 1932 का खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को हेमंत सरकार की ओर से लागू कराने का श्रेय भी जगन्नाथ महतो को ही जाता है, जहाँ वह स्थानीय नीति के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे और झारखंड की कैबिनेट ही
नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा से भी पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, जहां स्थानीय नीति के लिए वो श्रेय ले जाते हैं, वहीं स्थानीय नीति उनके मौत के एक कारण के रूप में भी जाना जा सकता है। स्थानीय नीति को के विवाद को लेकर लगातार वो चिंतित रहा करते थे और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन कर रहे युवा नेता जयराम महतो ने उनकी मुसीबतें हाल के दिनों में बढ़ा दी थी। जयराम महतो के आंदोलन के कारण आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार उनको जाना पड़ता रहता था। कारण साफ था कि जयराम महतो के डुमरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। जयराम महतो के आंदोलन के कारण हाल के दिनों में वह दूर दूर तक का दौरा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की चिंता जगन्नाथ महतो को हमेशा सताती रही और यह भी कारण था कि जयराम महतो के आंदोलन के काट में वो लगातार जनता के बीच में जाना चाहते थे और शायद स्थानीय नीति के सवाल पर जयराम महतो के उस क्षेत्र में स्थापित होने की चिंता भी उन्हें सताती रहती थी। मुखर संवाद जगन्नाथ महतो के जज्बे को हमेशा सलाम करता है। मुखर संवाद की ओर से शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो और हमारे टाइगर को भावभीनी श्रद्धांजलि। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।